राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, महाभारत अब तक हुए युद्धों में सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें भाग लेने के लिए आए योद्धाओं, घुड़सवारों, सैनिकों, रथों आदि की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी संख्या अछड़ी में नापी जाती थी। एक अछड़ी सेना में लाखों की संख्या में पैदल सैनिक, हजारों की संख्या में रथ, घुड़सवार, हाथी सम्मिलित होते थे और महाभारत के उस युद्ध में 20 से अधिक अछड़ी सेना का विनाश हो गया था। इस युद्ध में शस्त्र सेना पर आघात करने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का प्रयोग किया जाता था। उन्हीं संरचनाओं में थी एक थी चक्रव्यूह, जिसका निर्माण गुरु द्रोणाचार्य ने किया था। दर्शकों, यदि आप ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक वीडियो की जानकारी देखने के इच्छुक हैं, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत के द्रोण पर्व के अध्याय 32 के अनुसार, जब दुर्योधन युधिष्ठिर को बंदी न बना सका, तब वह बार बार गुरु द्रोण से यह याचना करने लगा। तब गुरु द्रोण बोले, आज मैं पांडव पक्ष के किसी श्रेष्ठ योद्धा को अवश्य ही मार गिराऊंगा। आज मैं उस व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते, परंतु कोई युक्ति के द्वारा अर्जुन को यहां से हटाना होगा, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ने की क्षमता अर्जुन के अलावा पांडवों में किसी में नहीं थी। इसकी आकृति एक चक्र की भांति होती थी, जिसके प्रत्येक द्वार पर एक महारथी रक्षा करने के लिए नियुक्त होता था। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए ही चक्रव्यूह की संरचना की गई थी। इस व्यूह को समझना किसी पहेली से कम नहीं था। व्यूह चक्र के आकार में घूमता हुआ निरंतर आगे बढ़ता था। जैसे चक्रव्यूह के हर स्तर को लांघा जाता था, वैसे ही व्यूह में सैनिकों की संख्या बढ़ती जाती थी। पहले द्वार से शुरू होकर सातवां द्वार तोड़ना अत्यधिक दुर्लभ होता था। इस व्यूह की संरचना सर्पिल आकार में होने के कारण, जैसे जैसे कोई योद्धा इसके अंदर प्रवेश करता था, वैसे वैसे व्यूह को भेदना अत्यधिक मुश्किल हो जाता था। व्यूह रचना इस प्रकार की जाती थी कि प्रवेश करने वाले को यह लगता था कि वह बाहर निकल रहा है। पहले परत के योद्धाओं से लड़ता हुआ जब योद्धा आगे बढ़ता था, तो वह यह मान लेता था कि उस योद्धा ने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। जैसे ही वह आगे बढ़ता था, दूसरी परत में खड़े योद्धाओं से जब उसका मुकाबला होता था, तो वह योद्धा न तो थके होते थे और न ही कमजोर होते थे, लेकिन प्रथम द्वार को पार कर आगे बढ़ने वाला योद्धा थक कर चूर चूर हो जाता था। यही वजह थी कि सात द्वारों को भेद कर प्रवेश करना अत्यधिक मुश्किल काम था। इसी चक्कर में वह गोल गोल घूमकर आगे बढ़ता रहता था। उसके लौटने के सभी रास्ते बंद होकर भूल भुलैया में पड़ जाता था। इस प्रकार योद्धा को चुंगल में फंसाने की व्यूह रचना ही युद्ध की एक शानदार रणनीति थी। इस प्रकार पूरी संरचना युद्ध के मैदान में घूमती और आराम से युद्ध करती हुई आगे बढ़ती थी। यदि उस गठन का कोई योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाता, तो घूमते हुए उसके स्थान पर दूसरा योद्धा खड़ा हो जाता था। इस प्रकार कड़ी टूटने से पहले ही जुड़ जाती थी। व्यूह की पहली परत को दुर्लभ इसलिए रखते थे कि कोई भी महारथी आसानी से उसे भेद कर महारथियों के बीच आकर फंस जाए। जैसे जैसे योद्धा आगे बढ़ता था, परत महारथियों की मजबूत डोर से जकड़ जाती थी। इस प्रकार युद्ध में चक्रव्यूह को सबसे जटिल संरचना माना जाता है। पांडवों में केवल इस व्यूह को भेदने का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अर्जुन और अभिमन्यु को था। महाभारत युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह का गठन गुरु द्रोण द्वारा किया गया था। उस समय वे कौरवों के सेनापति भी थे। उस अभेद व्यूह में
अभिमन्यु कुशलता पूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। यह ज्ञान उन्हें अपनी माता के गर्भ से प्राप्त हुआ था, परंतु निकलना उन्हें नहीं आता था, क्योंकि जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे तभी अर्जुन ने सुभद्रा को व्यूह भेदना और तोड़ना सिखाया था। लेकिन इसका भेदना सुभद्रा ने भली भांति सुना और जब व्यूह को तोड़कर निकलना सिखा रही थी अर्जुन, तभी सुभद्रा को नींद आ गई। इस प्रकार माँ को नींद आने के कारण अभिमन्यु व्यूह से निकलने का पूरा ज्ञान प्राप्त न कर सके, और यदि इनको भेदने और निकलना इतना आसान होता तो इसका ज्ञान अन्य पांडवों सहित अन्य महारथियों को भी होता। पांडवों में युधिष्ठिर इस व्यूह को भेदने की क्षमता अवश्य रखते थे, परंतु वह धनुष कौशल में ज्यादा प्रवीण नहीं थे। गुरु द्रोण के अनुसार उस व्यूह को भेदने के लिए कुशल धनुर्धर होना अति आवश्यक था। यह सभी गुण अभिमन्यु में मौजूद थे। अतः जैसे ही अभिमन्यु व्यूह को तोड़कर आगे बढ़े, जयद्रथ ने बढ़कर तुरंत ही उस अंतर को भर दिया। अभिमन्यु के पीछे आ रहे भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी पीछे ही रह गए और वीर अभिमन्यु बिजली की भांति सभी को चकित करते हुए आगे बढ़ गए। इस प्रकार सभी कौरव योद्धा अभिमन्यु के पराक्रम के आगे पराजित हो गए। लाखों की संख्या में उस व्यूह की रचना को भेदते हुए सैनिक मारे गए थे। इस प्रकार मुख्य प्रवेश द्वार में पहुंचते पहुंचते अभिमन्यु काफी थक चुके थे। अगर उनके साथ ही चीते की फुर्ती की तरह पांडव सेना प्रवेश कर जाती तो अवश्य ही वे इस व्यूह से बाहर आने में सफल होते और अंत में लाखों महायोद्धाओं से लड़ते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार अभिमन्यु की इस चक्रव्यूह तोड़ने की शौर्य गाथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।